हाय दोस्तों, स्वागत करते चैनल पर पीवीटेक एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज की जो न्यूज़ आपके निकल के सामने आ रही है, यूपी बीएड वाले को बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है सामने। ये तो यूपी सरकार ने बहुत बड़ा झटका दिया दिया है यूपी बीएड वालों के लिए। तो कह सकते हैं जो आज की न्यूज़ है, यूपी बीएड वाले जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते थे, जैसे अभी हाल ही में इनका एग्जाम हुआ है, तो उनके लिए बहुत बड़ा झटका लग गया है। किस कह सकते हैं कि बहुत बड़ी बुरी खबर है। जो बच्चों का एडमिशन पे स्कूल इस बेस पे होता था, वो अब स्कूल इस बेस पे नहीं होगा। तो सरकार ने साफ निर्देश दे दिए हैं, न्यूज़ के माध्यम से बता दिया जाएगा आपको। तो आज के लिए जो आपकी न्यूज़ आई है आज की रिपोर्ट के अनुसार, ये तो यूपी सरकार की तरफ से जो डाटा मिला हुआ है, कह सकते हैं जो अभी एडमिशन हाल ही में होना है यूपी बीएड में, काउंसलिंग स्टार्ट होनी है, उन बच्चों का एडमिशन स्कूल इस बेस पर होता है, वो स्कूल इस बेस पर नहीं होगा। इस बारे में आज बात करने वाले बहुत अच्छी तरीके से। तो दोस्तों, लास्ट तक वीडियो बने रहिए और लास्ट तक अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में आपको जो मिलने वाला है बहुत अच्छी खास खबर मिलने वाली है। जो बच्चे पहले स्कूल एडमिशन लेते थे यूपी सरकार की तरफ से, यूनिवर्सिटी के द्वारा जब किस कॉलेज में आप एडमिशन लेते थे प्राइवेट कॉलेजों में, तो ऐसा दोस्तों अब ऐसा नहीं है कि आप स्कूल से बेड पर एडमिशन ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये मान्यता खत्म हो चुकी है। अब जो आप एडमिशन लेंगे, पूरी फीस आप जमा करके ले ही लेंगे, जो आपकी जो टोटल फीस होती है बीएड की फर्स्ट और सेकेंड, जब भी आपकी जमा हो पाएगी, तो जब भी आप ये एडमिशन बीएड कर पाएंगे। तो दोस्तों, दिखा लेते हैं आज की जो न्यूज़ आपको दिखाई देती है, ऑफिशियल आपको दिखाई देगी। तो देख सकते हैं यूपी बीएड परीक्षा, यानी कि हाल ही में जो अभी एग्जाम हुआ था, उसके हिसाब से जो अभी बच्चे जो आंसर की आ चुकी है, और जो बच्चों का एस सी एस टी में कोटे पे एडमिशन होता था, तो एस सी एस टी वाले के लिए बहुत बड़ा झटका लग चुका है। तो जीरो फीस पे इनके से पहले से इनसे था, कह सकते हैं स्कॉलरशिप बेस पे जो आपको एडमिशन मिलते थे। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जो बच्चों का एडमिशन था अब ऐसा नहीं भी हो पाएगा। केवल पूरी फीस जमा करके बच्चों का एडमिशन होगा, यानी कि पूरी न्यूज़ आप पढ़ लेते हैं। स्क्रीन तो आप शॉट लेना चाहते हैं, आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, या आप इस न्यूज़ के माध्यम से पढ़ सकते हैं, यानी कि एस सी एस टी को जीरो फीस पर प्रवेश नहीं मिलेगा, एडमिशन नहीं मिलेगा। यूपी सरकार की तरफ से कह सकते हैं, प्रदेश भर में जो आपको एडमिशन होने हैं अभी 2022 सत्र के, यानी कि जो बच्चे पहले गए हैं उनके जो एडमिशन चल रहे हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, उन्हें कोई परेशानी नहीं है। जो अब जो एडमिशन स्टार्ट होंगे दोस्तों, तो उन्हें बहुत बड़ा झटका लग चुका है कि अब जो बच्चे गरीब होते हैं ज़्यादातर एस सी एस टी में, जो बच्चे नहीं पढ़ पाते, जनरल ओ बी सी में भी बहुत ऐसे होते हैं जो आपके पूरी फीस पेमेंट नहीं कर पाते हैं, स्कूल के माध्यम से बच्चे जो पढ़ते हैं, तो ऐसे में उनको प्रवेश नहीं मिल पाएगा, ऐसी समस्या बन गई है। तो कह सकते हैं यूपी सरकार की तरफ से एस सी एस टी छात्र जो होते हैं, उनको इस वर्ष निजी कॉलेजों में जो फी जीरो फीस मिलती है, कह सकते हैं जो आपके प्राइवेट कॉलेज होता है दोस्तों, उन्हें अब कॉलेजों में जीरो फीस पे एडमिशन नहीं मिलेगा। जो आपको एडमिशन मिलेगा दोस्तों, पूरी टोटल फीस आपको जमा करनी होगी, आपको जो टोटल दोस्तों टोटल फीस पूरी जमा करनी होगी, कह सकते हैं फर्स्ट ईयर की जो आपकी जमा होती है दोस्तों 11,000 रुपये, और सेकेंड ईयर की जमा होती है आपकी 30,000 रुपये। तो इसका निर्देश आपको दोस्तों निकल चुका है, यूपी सरकार ने निकाल दिया है, यानी केवल एडिड राज्य के कॉलेजों में जीरो फीस पर प्रवेश भी होंगे, लेकिन यह भी बाध्य नहीं होंगे। तो इसका पॉइंट मैं बता देता हूँ दोस्तों, यानी कि आप जो गवर्नमेंट कॉलेज में आपका एडमिशन लेंगे, तो उसका भी सही डाटा आपको नहीं मिल पाएगा, क्लियर नहीं हो पाएगा कि बच्चों को सीधा प्रवेश जीरो फेस पे दिया जाए या नहीं दिया जाए, वो भी गवर्नमेंट कॉलेजों में। तो लेकिन यह सभी बातें नहीं रहेंगे, निजी कॉलेज में जो फीस देकर प्रवेश ही आपको मिल पाएगा, यानी कि जो दोस्तों आपके प्राइवेट कॉलेज होते हैं, जो बच्चे एस एस टी पे स्कूल बेस पर पढ़ते थे दोस्तों, उन्हें अब पूरी फीस जमा करके ही उन्हें एडमिशन मिल पाएगा, अन्यथा एस सी एस टी को एडमिशन नहीं मिल पाएगा। और निजी कॉलेज में कह सकते हैं जो प्रवेश चल रहे हैं, चलेंगे जो एडमिशन होने हैं, तो एस सी एस टी को मात्र आपको 55% आपको दिखानी होगी दोस्तों। बहुत ही पॉइंट आपको खास पॉइंट आपको बता दे रहा है, अगर आप कॉलेजों में एडमिशन लेना चाहते तो आपकी ग्रेजुएशन में कम से कम आपकी 55% होनी चाहिए एस सी एस टी के अंदर। जब भी आपको शुल्क प्रवृत्ति करने अनुसार ही पैसे जमा करने के बाद भी आपको एडमिशन मिल पाएगा, यानी कि आप 55% से कम बच्चे वाले एडमिशन नहीं ले पाएंगे, बीएड में नहीं कर पाएंगे। ऐसे आपकी न्यूज़ आप सामने देख सकते हैं, आपको लिखा भी आ रहा नोटिस में। तो एस सी एस टी छात्र जो बच्चों के ग्रेजुएशन में 55% हैं, तो उन्हें भी शुल्क दे के ही एडमिशन मिल पाएगा, यानी कि पैसे देने के बाद उन्हें एडमिशन मिल पाएगा। इससे कम अंक आने वाले को छात्रों को प्रतिपूर्ति नहीं दी जाएगी, यानी कि आप भी पॉइंट कह सकते हैं, जिन बच्चों के 55% कम होंगे तो उन्हें पूरी फीस देनी होगी, उन्हें प्रवेश नहीं दिया जाएगा अगर उनके परसेंटेज कम है। तो निर्देश समाज कल्याण द्वारा ही आपके काउंसलिंग प्रवेश को लेकर प्रदेश भेज दिया गया है, यानी कि आपको प्रस्ताव भेज दिया गया है, और निर्देशों की कॉपी कॉलेजों में भी भेज दी गई है। तो दोस्तों,
ये 200 में कॉलेजों कॉपी चली गई है, इसके मानते हैं आप देख सकते हैं जो आपकी गाइडलाइन जारी हुई है, बहुत खास न्यूज है आपके लिए दोस्तों ये। और जिन उनको पद्मामल कर रहा है निर्देश के अनुसार, ये लखनऊ के द्वारा 16 जून को ये प्रस्ताव जारी हुआ था जो अब तक ये चल रहा हुआ है। तो बता दें कि चूंकि लखनऊ में विश्वविद्यालय के उक्त शस्त्र में बीएड इंतजाम कराया है और जल्द ही काउंसिलिंग होने वाली है, यानी कि जल्दी ही काउंसिलिंग भी करा दी जाएगी। ऐसी न्यूज को देखते हैं दोस्तों कह सकते हैं एस यूपी सरकार ने बहुत बड़ा झटका लग चुका है यूपीएससी सिस्टम में दोस्तों। पूरी अगर बच्चों को एससीएसटी में कोई फीस नहीं दे पाएगा तो उन्हें एडमिशन नहीं मिल पाएगा, और ज्यादातर कॉलेज में इंस्टॉलमेंट पर दोस्तों फीस जमा कर सकते हैं जिस आप पढ़ना चाहते हैं बच्चे, तो उन्हें ही स्कॉलरशिप मिल पाएगी जो 55% से ऊपर बच्चे होंगे। तो कुछ बच्चों के दोस्तों जिसमें डाउट आ सकते हैं कह सकते हैं कुछ में डाउट होंगे बच्चों के, पहले मैं दोस्तों पूरी न्यूज बता देता हूँ इस पे। ऐसे में जो इन नए निर्देशों के कॉलेजों में प्रवेश होंगे तो ऐसे फैसले को एसएससी स्टूडेंट पर सीधा असर पड़ने वाला है। लखनऊ विश्वविद्यालय के दुर्गेश प्रसाद श्रीवास्तव ने बताया है कि उन्होंने बताया कि अब विद्यार्थियों को प्राइवेट कॉलेज में 0 फीस पर प्रवेश नहीं मिलेगा। कुछ आपके पॉइंट में दोस्तों बता देता हूँ, जो बच्चे प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले रहे थे इस कॉलेज पे, उन्हें एडमिशन नहीं मिल पाएगा। अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो कम से कम आपके 55% होंगे तभी इस कॉलेज का फॉर्म भर पाएंगे, तो जब ही उनकी स्कॉलरशिप आ सकती है वो भी आपको फीस जमा करनी होगी जरूर। और जो अब जो शस्त्र स्टार्ट होने वाला 2022 का, उसकी काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है, तो आपको काउंसलिंग में तैयार है दोस्तों, नोटिस अपडेट होने वाला है। तो ऐसे एसटी में जो बच्चे पढ़ते थे स्कॉलरशिप बेस पे तो उनका डाटा जारी कर दिया गया, तो उन्हें प्रवेश नहीं मिल पाएगा ऐसे में वो माध्यम से, देख सकते हैं न्यूज आपके सामने। और दोस्तों जो कह सकते हैं जो आपके शस्त्र के पहले बच्चे हैं 2020-22 के पहले के बच्चे हैं 19-21 के, तो उनका दोस्तों एडमिशन ऐसे चलता रहेगा, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। इस कोरोना वायरस के चलते हुए लॉकडाउन के चलते हुए ऐसी समस्या बन गई, आर्थिक स्थिति इस समय बन चुकी है, तो ऐसे में स्कॉलरशिप मिलना बहुत मुश्किल है दोस्तों। अगर स्कॉलरशिप मिलती है तो मात्र मान लीजिए आपके 200 बच्चों ने एडमिशन लिया है स्कॉलरशिप बेस पे, उनकी स्कॉलरशिप फॉर्म आपने भरा है, तो कम से कम आपके 10-20 बच्चों की स्कॉलरशिप आएगी, पूरे बच्चों की स्कॉलरशिप नहीं आएगी, वो भी आपके आते ही समाज कल्याण द्वारा दी जाएगी दोस्तों। ये आपकी बहुत बड़ी न्यूज़ है, देख सकते हैं आपको अगर जो नोटिस आपको जारी होगा आपको दिखा दिया जाएगा, काउंसलिंग जैसे आपकी स्टार्ट होगी तो आपको न्यूज़ के माध्यम से बताई दी जाएगी। अगर कुछ समस्या आपको आई तो वीडियो के माध्यम से कमेंट कर सकते हैं इस कमेंट बॉक्स में। आपको दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत। इसकी जब स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं यहाँ पर आपको दिख जाएगा या आपको बॉक्स में मिल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।